TV, आपकी आवाज। नमस्कार, शुरू करते हैं खबरों का तेज सफर सुपरफास्ट 200। सिर्फ 20 मिनट में देखिए देश और दुनिया की 200 खबरें। मोदी कैबिनेट को लेकर मंथन तेज, नरेंद्र मोदी से मिले राजनाथ, जेटली, गडकरी और अमित शाह। मोदी की कोर टीम में शामिल हैं राजनाथ, जेटली, गडकरी और अमित, गुजरात भवन में जाकर की मुलाकात। राजनाथ के घर भी दिन भर चला बैठकों का दौर, प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर बादल भी मिले। राजनाथ से मिले संघ के प्रवक्ता राम माधव और वीएचपी नेता अशोक सिंघल, दोनों ने रखी अपनी राय। राजीव प्रताप रूडी, रामकृपाल यादव और जगदम्बिका पाल भी राजनाथ से मिले, चर्चा के केंद्र में कैबिनेट। शपथ ग्रहण से एक दिन पहले मोदी से मिलेंगे चंद्रबाबू नायडू, टीडीपी कोटे के मंत्रियों पर करेंगे चर्चा। बीजेपी प्रवक्ता विजय सोनकर शास्त्री को राजनाथ से मिलने से रोका गया, फूलों का गुलदस्ता लेकर गए थे। राजनाथ से मिले बिना वापस गए विजय सोनकर शास्त्री, मीडिया के सवालों का जवाब भी नहीं दिया। ममता ने शपथ ग्रहण को लेकर खत्म किया सस्पेंस, मुकुल राय और वित्त मंत्री अमित मित्रा होंगे शामिल। मोदी ने ममता को भेजा था शामिल होने का न्योता, टीएमसी ने कहा ममता का कार्यक्रम पहले से तय। मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नहीं शामिल हो सकती हैं मां हीराबेन, तबीयत खराब होने के कारण फैसला। शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में लगाई गई 4000 से ज्यादा कुर्सी। एक घंटे 10 मिनट तक चलेगा शपथ ग्रहण समारोह, नरेंद्र मोदी हिंदी में लेंगे शपथ। शपथ ग्रहण में फिल्मी हस्तियों का भी होगा जमावड़ा, रजनीकांत और लता मंगेशकर होंगे शामिल। मोदी को शपथ लेते देखने सलमान भी पहुंचेंगे, भारत रत्न सचिन को भी दिया न्योता। मोदी के शपथ ग्रहण में नहीं शामिल होंगे अमिताभ बच्चन, शूटिंग में व्यस्त रहने की वजह से फैसला। शपथ ग्रहण में स्वामी रामदेव और श्री श्री रविशंकर होंगे, मोदी के प्रस्तावक छन्नू लाल को भी बुलावा। गणतंत्र दिवस जैसे सुरक्षा इंतजाम, समारोह से पहले बंद रहेंगे केंद्रीय सचिवालय के आसपास के दफ्तर। 26 मई को दिल्ली की बहुमंजिला इमारतों की छतें भी बंद होंगी, छतों पर शार्प शूटर्स होंगे तैनात। राष्ट्रपति भवन आम लोगों के लिए 24 और 25 मई को बंद रहेगा, शपथ ग्रहण की तैयारी की वजह से फैसला। नवाज शरीफ के भारत आने पर सस्पेंस जारी, दूसरे दिन भी नहीं दिया न्योते का जवाब। पाक मीडिया की खबर, विदेश मंत्रालय चाहता है नवाज भारत जाए, नवाज दौरे को दी हरी झंडी। बीजेपी ने कहा भारत से संबंध सुधरने नहीं देना चाहती पाक की कुछ ताकतें, सेना की तरफ इशारा। कांग्रेस ने मोदी सरकार को आगाह किया, कहा अभी पाक से बातचीत लायक माहौल नहीं। नरेंद्र मोदी और राजनाथ से मिले एमडीएम के चीफ वाइको, श्रीलंका के राष्ट्रपति को न्योते का विरोध। मोदी और वाइको की मुलाकात 25 मिनट तक चली, वाइको को कहा तमिलों का कसाई। मुलाकात के दौरान जेटली और अमित शाह थे मौजूद, जेटली ने कहा श्रीलंका में तमिलों की समस्या पूरे देश की। करुणानिधि ने भी राजपक्षे को न्योते का विरोध किया, फैसले पर फिर से विचार की मांग। राजपक्षे ने न्योते के लिए मोदी को धन्यवाद दिया, कहा मोदी से मुलाकात का इंतजार। श्रीलंका में तमिलों की नाराजगी कम करने में जुटे राजपक्षे, तमिल बहुल राज्यों के मुख्यमंत्रियों से करेंगे मुलाकात। चीन ने औपचारिक तौर पर मोदी को बधाई दी, भारत में राजदूत के जरिए भेजा संदेश। गंगा की सफाई के लिए मोदी ने तैयार किया मेगा प्लान, 25,000 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी। नदियों के लिए सरकार बना सकती है अलग मंत्रालय, बनारस में 5 किलोमीटर लंबा वाटर फ्रंट बनेगा। पंडित मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न दिए जाने की खबर से उनका परिवार खुश, कहा देर से उठाया गया सही कदम। अफगानिस्तान के हेरात में भारत के वाणिज्य दूतावास पर हमला, चारों हमलावर हुए ढेर। आतंकियों ने सुबह 3 बजे मशीन गन और ग्रेनेड से किया था हमला, 5 घंटे तक चली फायरिंग। आईटीबीपी और अफगान सेना ने की जवाबी कार्रवाई, कॉन्सुलेट में मौजूद 9 भारतीय सुरक्षित। आतंकियों के मंसूबे पर फिर फिरा पानी, भारतीय दूतावास के कर्मचारियों को बंधक बनाना चाहते थे। मनोनीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हामिद करजई को फोन किया, हर मुमकिन मदद का दिया भरोसा। मोदी ने अफगानिस्तान में भारतीय राजदूत अमर सिन्हा को भी किया फोन, पूरे हालात की जानकारी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आईटीबीपी के जवानों की जांबाजी की तारीफ की, कहा डटकर किया मुकाबला। आईटीबीपी के प्रमुख सुभाष गोस्वामी का बयान, एक आतंकी को हमारे जवानों ने मार गिराया। बीजेपी ने शपथ ग्रहण से पहले हमले पर उठाए सवाल, कहा सार्क के साथ भारत के संबंध खराब करने में जुटे हैं कुछ लोग। कांग्रेस ने नई सरकार को किया आगाह, कहा हमले के पीछे हो सकता है तालिबान का हाथ। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून का बयान, अफगानिस्तान से दोस्ती के बीच दरार पैदा करने की साजिश। केजरीवाल ने जेल से दिल्ली की जनता के नाम लिखी चिट्ठी, खुद को बताया बेगुनाह। चिट्ठी में केजरीवाल ने कहा जब मुजरिम नहीं तो क्यों जमानत, कार्यकर्ता दिल्ली के घर घर पहुंचाएंगे चिट्ठी। जेल से बाहर नहीं आ पाए केजरीवाल, अदालत ने न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ाई। जमानत के लिए बॉन्ड नहीं भरने पर अड़े रहे केजरीवाल, पटियाला हाउस कोर्ट ने लगाई डांट।
मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट ने कहा केजरीवाल चाहें तो मेरे आदेश को दे चुनौती, कोर्ट नहीं बदलेगा फैसला। जज ने केजरीवाल को कानूनी रूप से बताया अनपढ़, कहा बॉन्ड और जमानत के बारे में नहीं है जानकारी। कोर्ट ने गडकरी को भी पेशी के लिए बुलाया, 6 जून को हाजिर होने का आदेश दिया। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के फैसले का हाई कोर्ट में को चुनौती देंगे केजरीवाल, प्रशांत भूषण का बयान। सोमनाथ भारती ने कहा केजरीवाल ने अपराध नहीं किया इसलिए नहीं भरेंगे बॉन्ड। कांग्रेसी नेता रेणुका चौधरी ने कहा जेल जाने का मौका ढूंढ रहे थे केजरीवाल, उठा सके राजनीतिक फायदा। केजरीवाल पर बरसे वीके मल्होत्रा, देश का अनोखा आदमी बताया। एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल का राहुल पर सीधा हमला, चुनाव में राहुल का रोल नहीं था साफ। प्रफुल्ल बोले कांग्रेस के कारण यूपीए के सहयोगी दल हारे, किसी फैसले में पवार को भरोसे में नहीं लिया। प्रफुल्ल ने कहा बीजेपी लगातार कर रही थी हमले, प्रधानमंत्री नहीं दे सके जवाब। मुंबई में एनसीपी की अहम बैठक, विधानसभा चुनाव में ज्यादा सीट के लिए बढ़ाया दबाव। पवार ने कहा एनसीपी ने कांग्रेस से ज्यादा सीट जीती है, विधानसभा में हमारा ज्यादा सीट का बनता है दावा। पवार ने कांग्रेस को पिछले चुनाव की दिलाई याद, लोकसभा में ज्यादा सीटें जीतने पर कांग्रेस ने मांगी थी विधानसभा की ज्यादा सीट। नारायण राणे ने कहा हार के लिए एनसीपी जिम्मेदार, कांग्रेस उम्मीदवारों के खिलाफ साजिश का आरोप। प्रफुल्ल पटेल के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष, कहा पार्टी अपनी गलतियों में सुधार करेगी। गृहमंत्री सुशील शिंदे का अहम सुझाव, हार की समीक्षा के लिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने को कहा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने के खिलाफ हैं शिंदे, कहा अच्छा काम कर रहे हैं पृथ्वीराज चौहान। मुंबई में महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक, मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ लगे नारे। चुनाव में हार के बाद दिग्विजय सिंह का फॉर्मूला, कहा कांग्रेस छोड़कर गए नेता वापस लौटे। दिग्विजय का इकोनॉमिक टाइम्स को इंटरव्यू, ममता और शरद पवार से कांग्रेस में आने की अपील। टीएमसी ने दिग्विजय सिंह के प्रस्ताव को बताया बकवास, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के टीएमसी में शामिल होने की सलाह। एनसीपी ने भी दिग्विजय के सुझाव को किया खारिज, माजिद मेमन बोले बहुत मुश्किल से बनाई अलग पहचान। कांग्रेस में प्रियंका को बड़ा रोल देने की मांग तेज, केवी थॉमस ने कहा दिखती है इंदिरा की झलक। केवी थॉमस ने कहा लोकतंत्र में हार होती रहती है, जल्द मजबूत शक्ति बनकर उभरेगी कांग्रेस। कांग्रेस से बीजेपी में आए जगदम्बिका पाल की चुटकी, अब प्रियंका भी कांग्रेस की वापसी नहीं करवा सकती। करारी हार के बाद मुलायम ने अपनी पार्टी से पूछा सवाल, संसद में कैसे करूं मोदी का मुकाबला। लखनऊ में सपा के विधायकों के साथ मुलायम की बैठक, विधायकों की क्लास लगाई। मुलायम ने कहा संसद में नहीं बोल पाएंगी डिंपल, केवल मेरे और धर्मेंद्र यादव पर है जिम्मेदारी। अनुराधा चौधरी ने छोड़ी सपा, पार्टी हाईकमान पर लगाए कई गंभीर आरोप। अनुराधा ने मुजफ्फरनगर दंगे को बताया हार की वजह, कहा सरकार दंगे रोकने में रही नाकाम। अनुराधा का आजम खान पर तीखा हमला, कहा आजम के काम करने के तरीके से भी नुकसान पहुंचा। अपने बेटे को बीजेपी में वापसी की कोशिश में जुटे जसवंत सिंह, आडवाणी से की मुलाकात। बीजेपी में मानवेंद्र सिंह की वापसी मुश्किल, राजस्थान बीजेपी ने जताया विरोध। जसवंत की वापसी पर संघ नेता एमजी वैद का बयान, कहा बीजेपी लेगी फैसला। और अब देखिए देश की आज की बड़ी खबर। बिहार के सीएम जीतनराम मांझी ने हासिल किया विश्वास मत, बीजेपी ने किया वॉकआउट। लालू की पार्टी आरजेडी ने किया सरकार का समर्थन, ध्वनि मत से पास हुआ प्रस्ताव। मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने आरजेडी जेडीयू के गठबंधन से किया इनकार, कहा बिना मांगे मिला समर्थन। बीजेपी नेता सुशील मोदी का सरकार पर हमला, कहा आज से बिहार में नीतीश लालू की सरकार। सुशील मोदी ने नीतीश पर लगाया डील का आरोप, कहा बिना मांगे कोई समर्थन नहीं देता। रामकृपाल बोले मोदी की आंधी से घबरा गई हैं दोनों पार्टियां, इन्हें अंत साफ नजर आ रहा है। नवल किशोर यादव ने कहा सीएम साबित करें बीजेपी ने चुनाव में खर्च किए 8,000 करोड़, नहीं तो दें इस्तीफा। आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा सरकार गिराना चाहती थी बीजेपी लेकिन नहीं था बहुमत। शरद यादव का बयान, देश के सामने चुनौती से लड़ने के लिए जेडीयू ने आरजेडी से लिया समर्थन। जेडीयू नेता राजू सिंह को अपनी ही सरकार पर हमला, नीतीश को पार्टी अध्यक्ष बनाने की मांग। असम में तरुण गोगोई के खिलाफ बगावत, 46 विधायकों ने बनाया अलग गुट। हेमंत विश्व शर्मा को नया सीएम बनाने की मांग, गोगोई के इस्तीफे को बताया ड्रामा। गोगोई ने किया था दावा, सीनियर नेता मोतीलाल वोरा 3-4 दिन में असंतुष्टों से करेंगे बात। टीआर जिलियांग नागालैंड के नए सीएम नियुक्त, आज ही नेफुरियो ने सीएम पद से दिया इस्तीफा। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने चुनाव में हार पर की समीक्षा, राज्य में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह को निशाना बना सकते हैं आतंकी, रांची से गिरफ्तार 4 आतंकियों से हुआ खुलासा। आतंकियों से एनआईए को मिले अहम सुराग, आईएम और सिमी के आतंकी 25 मई को दिल्ली में जुटने वाले थे। गिरफ्तार आतंकियों से दिल्ली का टिकट मिला, 24 मई को गलत नाम से कटवाए थे टिकट। बंगाल में लेफ्ट की लगातार हार से सोमनाथ चटर्जी चिंतित, पार्टी को आत्मचिंतन करने को कहा। सोमनाथ चटर्जी की पार्टी ने बड़े बदलाव की मांग, हार के लिए पूरी पार्टी को जिम्मेदार माना। और खबरें मेट्रो की।
दिल्ली में आंधी के साथ हल्की बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। दिल्ली में आप विधायक प्रकाश जरवाल गिरफ्तार, जल बोर्ड के इंजीनियर की पिटाई का आरोप। देवरी क्षेत्र के विधायक हैं प्रकाश जरवाल, पानी सप्लाई को लेकर इंजीनियर से कल हुई थी कहासुनी। रेप केस में सिंगर अंकित तिवारी को राहत, अंधेरी कोर्ट ने 20,000 के बॉन्ड पर दी जमानत। और अब देखिए दुनिया की खबरें। तख्ता पलट के बाद थाईलैंड में तनाव बरकरार, विरोध में बैंकॉक की सड़कों पर हुआ प्रदर्शन। थाईलैंड में तख्ता पलट के विरोध में छात्र भी सड़कों पर उतरे, बैंकॉक में किया प्रदर्शन। तख्ता पलट के बाद सेना प्रमुख ने लिया हालात का जायजा, प्रांतों के गवर्नर के साथ की बैठक। थाईलैंड में तख्ता पलट पर ऑस्ट्रेलिया खफा, रिश्ते की समीक्षा का ऐलान किया। आसियान प्रमुख ने दी चेतावनी, थाईलैंड के हालात का आसपास के क्षेत्रों पर पड़ सकता है असर। बगदाद में जोरदार कार बम विस्फोट, 10 लोगों की मौत। रूस में पैसेंजर से भरी बस के नीचे गर्म पानी की पाइपलाइन फटी, 13 लोग जख्मी। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में विद्रोहियों की ओर से गोलाबारी जारी, कई मकानों को भारी नुकसान। यूक्रेन मामले में रूस ने पश्चिमी देशों पर लगाया उकसाने का आरोप, रूसी विदेश मंत्री का बयान। ईरान में सेना ने किया बड़ा युद्धाभ्यास, 2 दिन के अभ्यास में कई मिसाइल की भी टेस्टिंग। दक्षिण कोरिया ने लगाया गश्त के दौरान जहाज पर फायरिंग का आरोप, उत्तर कोरिया का इनकार। चीन में एक बड़े उद्योगपति ल्यू हान को मौत की सजा, क्राइम गैंग केस में पाए गए दोषी। ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप पर किए जा रहे खर्च का विरोध, हजारों टीचर सड़कों पर उतरे। बोस्निया में बाढ़ ने हर तरफ छोड़े तबाही के निशान, सड़कें, रेल पटरियां और हजारों घर हुए तबाह। पोप फ्रांसिस के दौरे से फिलिस्तीनी शरणार्थियों में जगी उम्मीद, इसी हफ्ते राहत कैंपों का दौरा करेंगे पोप। जॉर्डन में पोप की यात्रा की जोरदार तैयारी, शनिवार को जॉर्डन आएंगे पोप। अमेरिका में बाढ़ और आंधी ने मचाई तबाही, डेलावेयर, ओहियो और कोलोराडो में दर्जनों घर ध्वस्त। अमेरिका में एरिजोना के जंगल में आग, बुझाने में लगे सैकड़ों फायर फाइटर्स। बोको हरम आतंकी संगठन घोषित, संयुक्त राष्ट्र ने लगाया प्रतिबंध। समंदर में लापता 4 ब्रिटिश नागरिकों की तलाश में अमेरिकी कोस्ट गार्ड का अभियान जारी। नेपाल में बर्फ की दरार में गिरे अमेरिकी पर्वतारोही की बची जान, खुद निकला बाहर। सुपरफास्ट 200 में वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद देखिए खेल बाजार और मनोरंजन की खबरें। और ब्रेक से पहले आपको बता दें, मुसलमानों ने मोदी पर क्यों जताया भरोसा, मोदी और मुसलमान, देखिए रात 8:30। गंगा के लिए मोदी सरकार में अलग से गंगा मंत्रालय हो सकता है, जिसका इंचार्ज उमा भारती को बनाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर गंगा वाटर फ्रंट बनेगा। लंदन की थेम्स और पेरिस की सीन नदी की तर्ज पर गंगा के लिए पक्के तट बनाए जाएंगे। सौंदर्यीकरण के दौरान गंगा के घाटों पर बने मंदिरों से छेड़छाड़ नहीं होगी। गंगा में गिरने वाले नालों के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। गंगा का सौंदर्यीकरण ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर कानपुर और इलाहाबाद तक सभी छोटे बड़े शहरों में होगा। आज दिल्ली में गंगा को लेकर अधिकारियों और वैज्ञानिकों की मीटिंग हुई। राष्ट्रपति भवन के इसी फोर कोर्ट में मोदी शपथ लेंगे, जहां एक बड़ा स्टेज तैयार किया जा रहा है। कुर्सियां लगाई जा रही हैं, कालीन बिछाई जा रही हैं। 4,000 से ज्यादा मेहमानों के बैठने का बंदोबस्त किया गया है। पहली 7 से 8 लाइनों में वीवीआईपी बैठेंगे। नरेंद्र मोदी हिंदी में शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण का कार्यक्रम 1 घंटे का होगा। उसके बाद हाई टी होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। केंद्रीय सचिवालय के आसपास के दफ्तर बंद रहेंगे। बहुमंजिला इमारतों की छतों पर कमांडो तैनात किए जाएंगे। दिग्विजय सिंह ने इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा कि शरद पवार और ममता बनर्जी समेत पार्टी छोड़कर गए सभी नेताओं को वापस आना चाहिए। कांग्रेस और यूपीए उम्मीदों के मुताबिक सरकार नहीं चला पाए, इसी वजह से आरएसएस, बीजेपी और मोदी के हाथों हारना पड़ा। असम में कांग्रेस के 78 में से 46 विधायकों ने अलग गुट बना लिया है। ये गुट हेमंत विश्वकर्मा को नया सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। बागी विधायकों ने कहा कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद उनको गोगोई के नेतृत्व में भरोसा नहीं है। बहस के दौरान बीजेपी ने जेडीयू से आरजेडी से
बहस के दौरान बीजेपी ने जेडीयू से आरजेडी के गठबंधन पर जवाब मांगा। सीएम जीतनराम अंबाजी ने इस पर कुछ नहीं कहा। बीजेपी ने सदन से वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद सदन में वोटिंग नहीं कराई गई। मांझी ने ध्वनि मत से विश्वास मत हासिल कर लिया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल को आज फिर पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। कहा, अगर जेल भेजने के आदेश पर आपत्ति है तो आप ऊपरी अदालत में जाएं। सीबीआई ने नागपुर की कंपनी जैस क्या है ये हो तो गया ऊपर करो ना हो गया ये सीबीआई ने नागपुर की कंपनी जायसवाल नेको इंडस्ट्रीज और अज्ञात नौकरशाहों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किए हैं। कंपनी के नागपुर और रायगढ़ दफ्तरों में छापे भी मारे गए। सेंसेक्स 319 अंक चढ़कर 24,693 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 91 अंकों की बढ़त के साथ 7,367 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में करीब 2% की तेजी आई। क्या है ये हो तो गया। पटियाला हाउस कोर्ट ने केजरीवाल से आज फिर पर्सनल बॉन्ड भरने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी। कहा, अगर जेल भेजने के आदेश पर आपत्ति है तो आप ऊपरी अदालत में जाएं। हो तो गया था पूरा ये। रेडी। मोदी ने शपथ लेने से पहले ही रेलवे को बुलेट ट्रेन का ब्लूप्रिंट तैयार मोदी ने शपथ लेने से पहले ही रेलवे को बुलेट ट्रेन का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा है। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के अध्यक्ष सतीश कुमार पिछले हफ्ते मोदी से मिले थे। नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद रेल अधिकारी फ्रांस दौरे पर हैं। नरेंद्र मोदी के शपथ लेते ही हफ्ते भर में रेलवे उन्हें बुलेट ट्रेन पर रिपोर्ट सौंपेगा। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन योजना पर 70,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली बुलेट ट्रेन 2 घंटे में मुंबई से अहमदाबाद पहुंचेगी। डीएमके और एआईएडीएमके के अलावा एमडीएमके भी इसका विरोध कर रही है। डीएमके प्रमुख करुणानिधि ने आज कहा कि राजपक्षे को दिया गया निमंत्रण दुनिया भर के तमिलों को कबूल नहीं है। एनसीपी ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि किसी फैसले में शरद पवार का साथ नहीं लिया गया। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि चुनाव में राहुल गांधी की भूमिका स्पष्ट नहीं थी। कांग्रेस के गलत फैसले की कीमत बाकी सहयोगियों को भी चुकानी पड़ी। हार पर मंथन के लिए मुलायम ने आज विधायकों को फटकार लगाई। कहा, संसद में मोदी का मुकाबला कैसे करेंगे, परिवार के साथ बैठना पड़ेगा। अखिलेश को ममता, जयललिता, नवीन पटनायक की मिसाल दी। 2 साल पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हुई अनुराधा चौधरी ने आज पार्टी छोड़ने का ऐलान किया। लोकसभा चुनाव से पहले बगावत के कारण उन्हें पार्टी से निकाला गया था। कहा जा रहा है कि वो अपने विधायक बेटे मानवेंद्र की वापसी चाहते हैं। जसवंत के बाद पार्टी ने मानवेंद्र को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया था। 4 आतंकियों ने करीब की एक इमारत से कॉन्सुलेट पर हमला किया। आईटीबीपी के जवानों ने अफगान पुलिस के साथ मोर्चा संभाला। 9 घंटे चली मुठभेड़ में 4 आतंकी मार गिराए गए। नरेंद्र मोदी ने हमले की निंदा की। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति हामिद करजई से बात की और हालात जाने। घटना ग्वांगडोंग शहर की है। दूसरी मंजिल पर बच्चा अपनी मां को ढूंढते ढूंढते खिड़की के किनारे तक आ गया। ली नाम के शख्स की बच्चे पर नजर पड़ी। समय बर्बाद किए बगैर बच्चे के गिरने से पहले ही ली ने उसे कैच कर लिया। और सुपरफास्ट 200 में अब देखते हैं खेल की खबरें। आईपीएल में मुंबई की उम्मीदें बरकरार। दिल्ली डेयरडेविल्स को 15 रन से हराया। मुंबई के लिए माइक हसी ने खेली 56 रन की पारी। मुंबई ने 20 ओवर में बनाए थे 173 रन। प्लेऑफ की दौड़ हुई दिलचस्प। मुंबई के अलावा राजस्थान और हैदराबाद की उम्मीदें कायम। भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर माधव मंत्री का मुंबई में निधन। गावस्कर के मामा। बीसीसीआई ने माधव मंत्री के निधन पर शोक जताया। कहा, भारतीय क्रिकेट के लिए बड़ी क्षति। और अब देखते हैं बाजार की। सेंसेक्स ने 319 पॉइंट की लगाई छलांग। 24,693 पर बंद।
रुपए की कीमत में 5 पैसे की मामूली गिरावट, $1 की कीमत $58.52। अमेरिका से 1,84,000 से ज्यादा कार वापस लेगी सुजुकी, आग लगने की आशंका के बाद फैसला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मुनाफा 8% घटा, ब्याज से होने वाली आय 16.5% बढ़ी। और अब देखिए खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट। बड़े पर्दे पर 2 फिल्में रिलीज, रजनीकांत की 3D फिल्म कौशादैया के सामने टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती। कौशादैया की रिलीज से पहले ही फैंस ने जमकर मनाया जश्न, रजनीकांत की मूर्ति को दूध से नहलाकर किया आरती। रजनीकांत समर्थकों ने आतिशबाजी चलाई, रिलीज होने के समय मिठाई भी बांटी। अनुराग कश्यप ने सबरीना से रिश्तों की बात मानी, फिल्म बॉम्बे वेलवेट कर रही है असिस्ट। एक्सपोज को मिले रिस्पॉन्स से हिमेश रेशमिया खुश, फिल्म का सीक्वल बनाने की भी तैयारी। बॉलीवुड में हनी सिंह की डिमांड जोरों पर, फिल्म हिट कराने का फॉर्मूला साबित हो रहे हैं हनी सिंह के गाने। फिल्म हमशक्ल में होस्ट के किरदार में तमन्ना भाटिया, भीड़ को संबोधित करने में साजिद खान ने की मदद। फिल्म घायल रिटर्न्स के लिए गंजे होंगे सनी देओल, खुद करेंगे फिल्म का निर्देशन। किम कर्दाशियन और काय वेस्ट की कल पेरिस में शादी, जेजेड और बियॉन्से की जोड़ी शादी के मौके पर करेंगी परफॉर्म।